नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में आप सीखने वाले हैं बिजली का बिल कैसे चेक करेंगे। दोस्तों अगर आप अपना बिजली बिल चेक करना चाहते हैं, बिजली बिल डाउनलोड करना चाहते हैं पीडीएफ में, तो आप बिल्कुल सही वीडियो देख रहे हैं। इस वीडियो में आपको स्टेप बाय स्टेप करके कंप्लीट जानकारी देने वाला हूँ कैसे आप घर बैठे आसानी से अपने मोबाइल फ़ोन से अपना बिजली बिल चेक करेंगे और अपना बिजली बिल को डाउनलोड करेंगे। तो दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अगर वीडियो अच्छी वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो ये शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको अपना गूगल क्रोम ओपन कर लेंगे। ओपन करने के बाद सिंपली आपको यहां पे सर्च बार में टाइप करना है, यहां पे आपको टाइप करना है ELE इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी, और यहां पे आपको लिखना बिल, इलेक्ट्रिसिटी बिल। उसके बाद आपको जहां जो भी स्टेट का अपना बिल चेक करना है, जैसे आप बिहार से हैं, यूपी से हैं, अगर आप बिहार से तो यहां पे लिखेंगे बिहार, अगर आप यहां पे यूपी से हैं तो यहां पे लिखेंगे इलेक्ट्रिसिटी बिल यूपी, यहां पे यूपी लिखना है। तो जैसे मैं बिहार से हूं तो यहां पे बिहार टाइप करता हूं। बिहार लिखने के बाद आपको यहां पे सर्च करना है, जैसे सर्च करेंगे, सर्च करने के बाद यहां पे क्या होगा कि आपको यहां पे फर्स्ट नंबर में देखने मिल जाएगा क्विक बिल पेमेंट, यहां पे आपको देखने मिलेगा क्विक बिल पेमेंट। यहां पे कभी क्या होता है कि अगर कभी कभी नीचे भी देखने मिलता है, यहां पे सबसे पहले ऊपर में देखने मिल रहा है मुझे क्विक बिल पेमेंट। यहां पे आप जो भी स्टेट से होंगे तो यहां पे सिंपली क्या करना, आपको इलेक्ट्रिसिटी बिल यूपी, इलेक्ट्रिसिटी बिल बिहार, इलेक्ट्रिसिटी बिल मध्य प्रदेश, जहां से भी होंगे यहां पे क्या करेंगे, आपको स्टेट का नाम यहां पे लास्ट में आपको लगाना है। उसके बाद सर्च करेंगे, सर्च करने के बाद यहां पे आपको फर्स्ट या सेकंड नंबर में आपको देखने मिलेगा क्विक बिल पेमेंट्स। बस क्या करेंगे, सिंपली आपको क्विक बिल पेमेंट्स में क्लिक करेंगे। जैसे क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद यहां पे आपको लोडिंग लेगा, लोडिंग लेने के बाद आपके सामने इसका इंटरफेस इस तरह से देखने मिलेगा। यहां पे आप देख सकते हैं इस तरह से, यहां पे क्या करना, सिंपली आपको थोड़ा जूम कर लेंगे, जूम करने के बाद यहां पे आपको प्रॉपर देखने मिलेगा। जैसे जूम करेंगे, जूम करने के बाद यहां पे आपको देखने मिलेगा कृपया उपभोक्ता संख्या डालें। यहां पे क्या करेंगे, इस बॉक्स में आपको क्या करना, इस बॉक्स में अपना उपभोक्ता यानी कंज्यूमर नंबर आपको यहां पे टाइप करना है। तो चलिए मैं यहां पे अपना कंज्यूमर नंबर को यहां पे टाइप कर लेता हूं। यहां पे अपना कंज्यूमर नंबर टाइप करने के बाद उसके बाद क्या करना गाइस, यहां पे आपको देखने मिलेगा सबमिट। बस क्या करेंगे, सिंपली आपको इस सबमिट पे क्लिक करेंगे। जैसे सबमिट पे क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद आपको क्या करना, फिर से आपको यहां पे आपको क्या करना, थोड़ा सा प्रॉपर यहां पे देखने के लिए आपको जूम कर लेंगे, थोड़ा यहां पे जूम करेंगे। जूम करने के बाद गाइस यहां पे आप देखेंगे, यहां पे आपको देख सकते हैं गाइस, यहां पे जूम करने के बाद यहां पे देखेंगे CA नंबर यानी कंज्यूमर नंबर देखने मिलेगा। उसके बाद यहां पे देखेंगे कंज्यूमर नेम यानी जिसके नेम से होगा उसका नेम यहां पे आपको देखने मिलेगा। यहां पे देख सकते हैं जिसके नेम से मेरा बिजली बिल है, यहां पे देख सकते हैं उसका नेम आ चुका है। उसके बाद क्या करेंगे, आप थोड़ा सा यहां पे जूम करके थोड़ा इधर आ जाएंगे, आपको इधर आ जाना। इधर आने के बाद गाइस यहां पे अमाउंट वगैरह पूरा देखने मिलेगा। उसके बाद यहां पे थोड़ा जूम करके यहां पे आप देखेंगे, यहां पे लिखा हुआ है पे बिल व्यू बिल। तो गाइस यहां पे अपना बिल देखने के लिए यानी बिल डाउनलोड करने के लिए पीडीएफ में सिंपली क्या करना, आपको यहां पे व्यू बिल पे क्लिक करेंगे। जैसे व्यू बिल पे क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद यहां पे क्या होगा, ऑटोमेटिक यहां पे आपका लोडिंग हो जाएगा। आप देख सकते हैं यहां पे मेरा डाउनलोड हो चुका है मेरा बिल। यहां पे आप देख सकते हैं गाइस जो कि मेरा पे बिहार का बिल यानी बिहार बिजली का बिल यहां पे डाउनलोड हो चुका है। आप देखेंगे सारा कुछ इस बिल में आपको देखने मिलेगा, आपका कंज्यूमर नंबर वगैरह सारा देखने मिलेगा, जिसके नेम से बिल है, और यहां पे एड्रेस वगैरह सारा कुछ देखने मिलेगा, कितना बकाया है, बकाया राशि कितना है, सारा कुछ आपको देखने मिलेगा। मैंने इसको हाइड कर रखा है क्योंकि ये मेरा पर्सनल डेटा है, इसलिए मैंने इसको हाइड कर रखा है। यहां पे सारा कुछ आप देख सकते हैं, यहां पे बिजली बिल, यहां पे कितना बकाया है, कितना जमा राशि, यहां पे देखें ऊर्जा शुल्क कितना है, सारा कुछ इस तरह से देखने मिलेगा। इस पीडीएफ को डाउनलोड करने के लिए सिंपली क्या करना, आपको यहां पे आप ऊपर साइड देखने मिलेगा 3 डॉट। बस क्या करेंगे, सिंपली आपको इस 3 डॉट पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको डाउनलोड का ऑप्शन है, बस क्या करेंगे डाउनलोड पे क्लिक करेंगे। डाउनलोड पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे क्या होगा, ये पीडीएफ यानी बिल का जो पीडीएफ है डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा और आपके यहाँ पे डाउनलोड हो जाएगा फाइल मैनेजर में। अगर आप यूपी से हैं तो सिंपली मैं आपको यहाँ पे यूपी से भी दिखाता हूँ गाइस, यूपी में कैसे सर्च करना है। आपको यहाँ पे लिखना इलेक्ट्रिसिटी बिल बिहार में लिखना गाइस, यहाँ पे आपको लिखना है सिंपली, यहाँ पे आपको लिखना है इलेक्ट्रिसिटी बिल बिहार यूपी। तो गाइस यहाँ पे आप देख सकते हैं इलेक्ट्रिसिटी बिल यूपी लिख के मैं सर्च कर रहा हूँ। सर्च करने के बाद यहाँ पे देखेंगे इसका जो सेकंड नंबर में आ रहा है, आप देखेंगे यूपीसीएल बिग क्यूब बिल, यानी आप यहाँ पे फर्स्ट नंबर में बिहार वाला फर्स्ट नंबर में आ रहा था, लेकिन यहां पे यूपी से मैं चेक कर रहा हूं, यहां पे देखेंगे यूपीसीएल क्विक बिल पे यानी यहां पे सेकंड नंबर में आ रहा है, इस पे क्लिक करूंगा। क्लिक करने के बाद यहां पे देखेंगे इस तरह से इंटरफेस देखने को मिलेगा। मैं आपको जूम करके दिखा रहा हूं, तो गाइस मैं यहां पे आपको जूम करके दिखा रहा हूं। जैसे मैं जूम कर रहा हूं, जूम करने के बाद गाइस यहां पे देखेंगे अकाउंट नंबर यानी आपका जो बिजली बिल का अकाउंट नंबर होगा, कंज्यूमर नंबर, अकाउंट नंबर वही बोलते हैं, यहां पे अपना अकाउंट नंबर डालेंगे। उसके बाद यहां पे आपको एक कैप्चा देखने मिलेगा, यहां पे देख सकते हैं इस कैप्चा देखने मिलेगा, इस कैप्चा यानी इमेज वेरिफिकेशन कैप्चा को यहां पे आपको इस बॉक्स में डालना और सबमिट करना। यहां पे सारा कुछ आपको सही सही फिलअप करके सबमिट करेंगे तो यहां पे आपका बिजली बिल डाउनलोड हो जाएगा और यहां पे चेक कर सकते हैं आपका बिजली बिल कितना बकाया है, कितना राशि आपका आया हुआ है। तो दोस्तों इस तरह से बड़ी आसानी से आप अपना बिजली बिल चेक कर सकते हैं। तो दोस्तों